फ्रिक्वेंसी मीटर वी कैन डिस्कस द डिजिटल वोल्ट मीटर ऑल्सो क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने वोल्ट मीटर और अब मीटर भी डिस्कस किया था एनालॉग तो अभी हम क्या कर रहे हैं डिजिटल जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो डिजिटल वोल्ट मीटर जैसा इसका नाम कह रहा है आप पिक्चर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं एसी और डीसी वोल्टेज को हम मेजर करते हैं डायरेक्टली एट डिस्क्रीट न्यूमेरिकल इंस्टेड ऑफ द पॉइंटर इसके पहले जो हमने वहाँ पे बताया था आपको तो पीएमसी और सी और तो में हमने क्या रिफ्लेक्शन कैसा लिया था वो हमारा पॉइंटर के फॉर्म में था यहाँ पे हमारा क्या है ये डिस्क्रिट फॉर्म में नो वी कैन डिस्कस द दिस इज माय डिजिटल मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर टेस्ट ऑफ इक्विपमेंट विच ऑफर सेवरल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट टास्क इन वन टूल एक ही टूल में हमारे पास कई चीज़ें होती हैं अभी इसके पहले जब हमने आपसे दिखे थे वोल्ट मीटर अलग से वोल्ट मीटर चाहिए करंट मीटर अलग से करंट मीटर दिखाया भी था, था आपको फिर हमारा क्या चाहिए फिर हमें अगर वो मीटर चाहिए तो ओ मीटर अलग से चाहिए ये हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, है कि जिसमें हम हर चीज़ मेजर कर, कर, कर सकते हैं रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं करंट भी मेजर कर सकते हैं वोल्टेज भी मेजर तो कर सकते हैं इंडक्टर्स भी मेजर कर सकते हैं अदर यूनिट्स भी मेजर कर सकते हैं दैट इज़ अ कंटिन्यूटी भी हम मेज़र कर सकते हैं इसमें तो इसे हम डिजिटल वोल्ट मीटर कहते हैं या कहीं कहीं पर ओम मीटर या वोल्ट ओम मीटर भी इसे कहते हैं तो ये हमारा एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल है कि हम इसमें डायग्नोस्टिक टूल इसे हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं दिस इज द बेसिक टूल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंटेशन इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आल्सो तो आप जैसे इस पर देख रहे हैं दर इज द फोर फोरपॉट फर्स्ट इज़ द डिस्प्ले देन बटन देन आपका डायल स्विच दर इज द इनपुट जैक जहाँ पे हम प्रोप को या उसका करेक्टर्स को लगाते हैं इसके लीड को मल्टीमीटर के लीड्स को लगाते हैं ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर हो गया ये दिस इज द ब्लॉक डायग्राम डिजिटल मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर का जो आपका ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं कि द सेम थिंग यू कैन गिव द इनपुट अब जो भी इनपुट है आपको या तो ए वोल्टेज मेजर करना है या करंट मेजर करना है या डीसी वोल्टेज मेजर करना है डी करंट मेजर करना है तो यहाँ पे हम क्या जैसे अभी हमें पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें ए सी करंट वेर करना है तो हमने सेलेक्टर स्विच को किस पे रखा ए सी पर रखा आ, थोड़ा सा आप देखेंगे इज द जो हमने आपको डायल रोटी नाप दिया है इसको हम सेलेक्ट करते हैं ए सी मोड पर सलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हमने यहाँ पे क्या किया उस जो आपको दिखाया है डायल स्विच ये हमारा ये स्विच है इससे हमने सेलेक्ट किया है इसको ये हमारा सर्किट ये हो गया अभी तो दिस इज़ माई ए सी जब हमने ए सी इस पर गए पहले ए सी वोल्टेज पर जाते हैं तो ए सी वोल्टेज पर गए दर इज़ द कैलोटर एड इन्वेटर जो हमारा लगा हुआ है उससे जब कैलोटर इनवेटर पर हमारा सिग्नल जाता है फिर हमारे जो यहाँ पे ए सी डी सी कन्वर्टर वहाँ पर जाएगा फिर ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे फिर यूज़ करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्यों क्योंकि ये हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद ही हमारा डिस्प्ले पे पर जो भी हमारी रीडिंग होती है फाइव वोल्ट है या सिक्स वोल्ट है या इन स्क्रीन फॉम सिक्स पॉइंट थ्री थ्री वोल्ट है वो डिपेंड करेगा जो भी हमारा डिस्प्ले का कितने डिजिट का डिस्प्ले है फोर एंड थ्री एंड हाफ डिजिट डिस्प्ले है फोर एंड हाफ डिजिट डिस्प्ले है तो उस हिसाब से वो आपका यहाँ पे जो चीज़ है जो भी रीडिंग होगी वो हमारी मेजर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ जो भी हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हम डिसाइड करके हमें ऐसी वोल्टेज करना है ऐसी अब आपको इसी तरह करेंट करना है तो करंट में हमारा क्या हो जाएगा वी कैन अगेन्स सेलेक्ट द दिस इज द फर्स्ट भी सेलेक्ट द डी सी करंट तो जैसे हमने डी सी करेंट सब किया वी आर यूजिंग कैलिब्रेट दिस शंट इज आल्सो कैलिब्रेटेड। तो ये हमारा क्या है कैलिब्रेटेड शंट लगा हुआ है यहाँ पर कैलिबेट शर्ट हमारे देख रहे हैं जब हम डी सी करंट मेजर कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट हम उस पर जा रहे हैं और उसको ए डी सी पर डायरेक्ट ले जा रहे हैं लेकिन अगर हम ए सी करेंट मेजर कर रहे हैं तो फिर अगेन यूजिंग डी सी एंड ए सी डी सी कन्वर्टर्स फिर हम उसको ए डी सी पे ले आते हैं फिर हमारा वो जो भी हमारी करंट है जो भी रेंज है फाइव एम्पियर है या बिली एम्पेयर है जो भी हम सेलेक्ट करेंगे हम डायल स्विच के हिसाब से जो भी सेलेक्टर स्विच है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर रीडिंग आपको डिस्प्ले होगी ऐसे ही आपका अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो रेजिस्टेंस का भी आप क्या है वी कैन सेलेक्ट द दैट इनपुट इज देयर इज द दिस साइड तो ये आप दिस इज़ द करेंट सोर्स यहाँ पे क्या होता है उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होती उसके है उसके हिसाब से हम लेते हैं फिर वो सिग्नल को क्या करते हैं एम्पलीफाई कर देते हैं और फिर ये हमारा जाता है अगेन सेम गो टू द ए डी सी एंड गोज टू द डिस्प्लेस तो ये हमारा इस तरह से डिजिटल मल्टीमीटर वर्क करता है तो डिजिटल मल्टीमीटर इज़ हैंडी टूल अगर हम कंपेरिजन करेंगे एनालॉग से इसके आगे एडवांटेज बताएंगे आपको तो दैट इज बहुत ही अच्छा कब अब क्या होता है कि देखिए आपको अगर मैंने दिखाया अगर हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट करना है करंट को तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम वी कैन वी कैन कंसीडर द इनपुट करंट यहाँ पे हमारा इनपुट करंट है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं जब हम डिजिटल मल्टीमीटर से करंट मेजर पहले तो मोड सेलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने डी मोड पर किया हुआ है और ए सी सेलेक्ट कर दिया तो आपका सर्किट कौन सा सर्किट करंट सर्किट आपका डैमेज होना के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं रहते नहीं वो हो ही जाता है तो जब हम यहाँ पे इसी में मैच करते हैं वी कैन यूज़ द एवरेज एंड आर एम एस वैल्यूज ऑफ द नोड करंट तो यहाँ पे जो हम अनोन करंट डालते हैं जो हमारा रेस्ट करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है बराबर होती है तो so, हम निकालते क्या एक्चुअल में वी कैन यूज़ द ड्रॉप तो जो हमें सिलेक्शन करना है जिस जो वो करंट रेजिंग है उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर चेंज करते हैं फिर वो हमारा वन पे किया तो वन है टू पे किया तो टू है थ्री पे किया इसे यू हैव एक्सटेंड द रेंज ऑल्सो मेजरमेंट जब हम करंट को करते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो वी कैन मेजर द अगेन इज द सेम फिर ए डी कन्वर्टर डिकेट कन्वर्टर एंड डिस्प्ले आउटपुट तो दिस इज द दीजिए में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि करंट मेजरमेंट करने में बताया गया अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है तो so, हम यहाँ पे वी कैन यूज़ द सेपरेट एक सर्किट यूज़ करते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर तो यहाँ पे हम उसको वोल्टेज के फॉर्म लेकर फिर हम क्या करते हैं करंट में लेके आउटपुट हमारा करंट में ही आता है तो so, ये वी कैन कंसिडर हो जाता करंट एडवांटेज आप डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ तो आपको हम बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं हमारे बहुत एडवांटेज है डिजिटल मल्टीमीटर की अगर कंपेरिजन करें तो एनॉल मीटर में तो अभी अगर एनोलाग में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि वहाँ का हमारा जो डिस्प्ले है वही अलग है वो डिफ्लेक्शन टाइप है यह हमारा डिस्क टाइप आपको दिखता है इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है इन कंपेरिज़न तो आपके एनालॉग का इसमें लोडिंग इफेक्ट जब इनपुट इम्पिडेंस हाई होगा तो हमारी जो आपकी लोडिंग इफेक्ट है वो क्या बहुत कम हो जाती है ऑटो रेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अगर उसको आटो बोर्ड में वी हैव सेलेक्टेड है तो वो अपने अकॉर्डिंग वो उसको क्या करता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको ये चेंज कर लेता है जो भी हमें मेज़र करना है जो भी वैल्यू मेजरमेंट करनी है उसको ये हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ हो रहा है वी आर यूजिंग द इंडिकेट सर्किट इनसाइड द सर्किट तो वी आर साइज़ हमारा बहुत स्मॉल साइज हो जाता है और जब साइज कम होगा तो उसका वेट भी बहुत कम हो जाता है तो दीज आर द एडवा और आउटपुट कैन भी इंटरफेस द एक्सटर्नल जो कि हम एनालॉग मल्टीमीटर में नहीं कर सकते थे आप कहीं पे भी उसको और सिग्नल ले जाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे इंटरफेस कर सकते हैं किसी भी अदर दूसरे इक्विपमेंट से किस सिग्नल को जो हम मल्टीमीटर से मेजर कर रहे हैं तो दीज आर द एडवाटेज अब क्योंकि इसमें एक कुछ ड्रॉबैक भी होंगे यहाँ पे हमारे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है क्योंकि हम वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल बैटरी तो हम जब एक्सटर्नल बैटरी करते हैं और हम इसे कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है बैटरी डाउन होगी जब बैटरी लो हो जाती है तो डिस्प्ले भी हमारा बहुत डिम हो जाता है और वो उसे रीडिंग लेने में मुझे हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो दिस इज़ द बिगेस्ट जॉब है क्योंकि वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल बैटरी हेर वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल बैटरी जो कि हमारा पूरा जो एल हमारे इसके अंदर जो लगी होती है डिस्प्ले लगी होती है मैं एक बार आपको दिखाती भी हूँ ये आपको देख रहे हैं आ, थ्री एंड हाफ वन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन दिस दिस इज तो ये फिर आपका अगर बैटरी लो होगी तो दिस डिस भी वेरी जिससे कि आप उसे रीड नहीं कर पाते हैं और ये हमारी विजिबिलिटी पुअर हो जाती है तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर सेंसिटिविटी इन कम्पेरिजन टू वेयर इन कंपेरिजन टू वे लॉक वॉट इज सेंसिटिविटी जैसे आप कुछ देते हैं तो वैसे ही उससे हमें इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए तो ये हमारा क्या है सेंसिटिविटी अगर हम डिजिटल की बात करेंगे तो ये हमारा लिएस्ट एल एस बी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये हमारा उस सिग्नल को काउंट कर लेगा फिर एक्यूरेसी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इस इसकी हमारा चेंज इन आउटपुट वन चेंज इन इनपुट तो वो जो हमारा है वो इस तरह से बहुत ही एक्यूरेट जरा सा भी इसको कहीं मिलता है अगर उसको तो इस these these characters in comparison to your analog analog के comparison में अगर आप देखेंगे तो यहाँ pe अब अब रिपीटबिलिटी आप kya analog में नहीं होती analog में भी repeatability होती sensitivity accurate एक्ूरेट वो भी होते but यहाँ पर क्या है कि जब आप signal को आपने एक बार मल्टीमेटर बंद कर दिया फिर उसे ऑन किया तो वहाँ पे आप अगर लेंगे अगर बाई चांस क्या हुआ अगर वही रीडिंग लगी हुई और अपने कनेक्शन कर रखा है उस सर्किट पे मल्टीमीटर का तो आपको वही रीडिंग मिलेगी तो देट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर फिर स्पीड ऑफ द सेटलिंग टाइम जब हम यहाँ पे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है जब हम ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक जब क्योंकि यहाँ पे वी आर यूजिंग द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इट विल टेक समटाइम्स तो जब भी आप कभी डिजिटल मल्टीरियल को ऑन करेंगे तो वो ऑन होने के बाद जो भी उसकी आप वैल्यू देखेंगे या जैसे वो इनिशियल कंडीशन पे आएगा तो वो क्या करेगा इट विल टेक सम टाइम जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में क्या होता है जैसे आप लगाते हैं यू विल गेट इंस्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे अगर यू आर मेजिंग 13.4, तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और फ्यू माइक्रो इट विल टेक्स सेटलिंग टाइम लेता है तो so, मल्टीमीटर हमारा क्योंकि क्योंकि वो दे कैन यूज़ द चेक द सर्किट्स तो जो भी हम मेजर कर रहे हैं आपको इसका अगर ब्लॉक डायग्राम में देखेगा तो वहाँ पे वो जब वो कन्वर्ट करता है अभी रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे देखिए तो ये हमारा क्या करता है वी कैन कनेक्टेड फ्रॉम दिस ए सी वोल्टेज पर जाएगा फिर यहाँ पे कन्वर्ट करेगा फिर जाएगा हाँ तो यहाँ पर वो आपका क्या करता है ये इट विल टेक्स फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स फ्यू माइक्रो और फ्यू सेकंड सेकंड विल टेक द सेटलिंग टाइम तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डिस्टर्ब मल्टीमीटर तो so, ये हमारा बहुत ही हैंडल्ड इंस्ट्रूमेंट है और वेरी इंपॉर्टेंटेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंटेशन इंजीनियर्स नाउ कमिंग द सेकेंड डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द सिग्नल वेव फॉर्म इज़ कन्वर्टेड ट्रिगर पल्स यहाँ पे क्या करें जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इस आपके ट्रिगर पल्स तो यानी अप्लाई टू द काउंट ये ऐसा नहीं कि हम एक बार देंगे फिर रुक जाएंगे फिर एक बार देंगे फिर रुक जाएंगे तो अप्लाई कहाँ पे करते हैं दैट इज योर एंड गेट तो एंड गेट पे हम इस पर अप्लाई करते हैं पल्स ऑफ वन इज अप्लाई टू द अदर टर्मिनल एंड द नंबर ऑफ़ पल्स काउंटेड ड्यूरिंग द पीरियड इंडिकेट द फ्रिक्वेंसी तो जो भी हमारा अगर वन सेकेंड में हमारी फाइफ आ रही है या जितने भी हमारे पल्स आए तो वो हमारी क्या हो जाती है दैट इज योर रेडिंग ये हमारी क्या होती है जो अब वन सेकेंड इज अपलाई टू द अदर टर्मिनल एंड द नंबर ऑफ पल्स काउंटेंट डोइंग दिस पीड इंडिकेट द फ्रिक्वेंसी तो अगर हमारे इसमें फाइव पल्स दिए हम वन सेकेंड में और अगर हमारी यह टेंथ फिफ्टी पल्सर्स दी तो दैट इज योर दिस इज योर फ्रिक्वेंसी दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर जो कि हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी पी एम दिस इज द बेसिक सर्किट डाइग्राम ऑफ योर डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर यू एफ जो फ्रीकुंसी को मेजर करना है फुट हेयर फ्रिक्वेंसी को हम एम्प्लीफाई करते हैं फिर आप देख रहे हैं यहाँ से वी आर यूजिंग साइन में इसमें स्टिकर में ले जाते हैं जिसको कि हम उसको पल्स के फॉर्म में करते हैं फिर वी आर यूजिंग द गेट का ऑन ऑफ जब हमें चाहिए तभी तो लेते हैं उससे जब नहीं होता है तो वो स्टॉप कर देता है और ये हमारा फिर दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर तो इसके क्या क्या पार्ट हो गए सबसे पहले जो भी फ्रिक्वेंसी मिलेगी उसे हम एम्प्लीफाई करते हैं फिर उसे एम्प्लीफाई करके उसको हम साइन uh, वैसे किसके फॉर्म में पल्स फॉर्म में ले जाते हैं फिर जो हमारा स्टार्ट स्टॉप गेट है वहाँ पे सूस करते हैं जितना जैसे वन सेकंड में आपसे हमने कहा अगर एक सेकंड में हमारे फिफ्टी पल्स उसके अंदर से जा रही है स्टार्ट कंडीशन पे तो वो हमारा क्या हो जाएगा फिफ्टी आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा दे आज मेन द जीरो जीरो यू कैन मेनशन एट दैट टाइम द मेनशन इज द फिफ्टी तो और अगर हम अगर इसको अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो आपको बताते हैं कि अगर हमने माना कि जो भी हमारी नॉन uh, फ्रिक्वेंसी है सिग्नल हमारा सिग्नल नंबर ऑफ द काउंट्स है कितने डिस्प्ले करें दैट इज अजेन और जो हमारा जो स्टार्ट से जब बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप में कितना गेट जो हमारा होता है तो उसमें टाइम हमारा टी हो गया तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाई टी इस तरह से हम क्या करते हैं अनोन फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर तो दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ योर डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर ओके द डिटेल अब अब देख रहे हैं दिस इज दैट सर्किट इज द योर बेसिक सर्किट नाउ कमिंग टू द्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल सर्किट तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वी आर यूजिंग द दिस इज दिनपुट सर्किट इनपुट सिग्नल अगर आप इससे कंपेयर करेंगे बैक से थोड़ा सा तो आप देखिए वही जो चीज़ें हमने जो ब्लॉग्स यहाँ पर लिए हैं सेम चीज़ ही हम वहाँ पर दे रहे हैं बट इन द डिफरेंट वी यहाँ वी कैन मेजर इन दिस डाइग्राम कैन वेदर ओनली द सिंगल एक वीगन बट हमें क्या है कि वी कैन सेलेक्ट इन द मल्टी रेंज तो मल्टी रेंज के समय हमें जो डायग्राम चाहिए वो ये है इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड कन्वर्टेड टू अगेन स्क्वायर वेव वो कौन करता है वो वहाँ पे हमारा इसमें टिकर करता है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दिस इज दैट दैट इज इनपुट सिग्नल दिस इज एम्प्लीफायर यहाँ पे हमारा क्या है दिस इज अ टिगर पल्स ट्रिगर पल्स कहाँ पर जा रही है गेट पर जा रही है तो अब ये इस तरह से वी हैवजिंग द और जित एक सेकेंड में जितनी भी जाती है तो वो जितने भी काउंट्स लेगी तो वो हमारा यहाँ पे इस डिस्प्ले पे आ जाएगा अब आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है हाउ कैन यूज दिस दिस इज द आवर रेंज सेलेक्टर तो हमें कितने देर के लिए चाहिए वन माइक्रो सेकेंड टेन माइक्रो सेकेंड हंड्रेड माइक्रो सेकेंड वन या वन सेकेंड टू सेकेंड उसके हिसाब से ये फिर हमारा जो भी हम इसको टाइम बेस को सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ पे आपको ये जो काउंटर डिस्प्ले है वो डिस्प्ले कराता है तो इस तरह से हमारा क्या है ये डिजिटल मल्टीमीटर डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर काम करता है तो जो टाइम बेस सेलेक्टर है वो आउटपुट ऑपरेटिंग फ्राम एन ऑसलेटर एंड सबली कन्वर्टेड टू योर पल्स फॉर्म तो ये जो पल्स काउंटिंग है ये जो हमारा काउंटर है ये हमारा डिस्प्ले करता है उस काउंट्स को तो so, वो किस फॉर्म में आती है दैट इज़ योर फ्रिक्वेंसी तो दिस इज योर हमारा हम चेंज करते हैं फ्रिक्वेंसी मीटर को तो so, ये भी बड़ा यूजफुल है फ्रिकुंसी भी हमें डायरेक्ट पैदा कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर इसका अगर एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी हमारी जो मीटर है जितने भी हमारे पावर प्लांट्स होते हैं या इंडस्ट्री में होता है स्पेशली पावर प्लांट में वी कैन कंट्रोल द फ्रिक्वेंसी दैट इज दिन इंडियन इंडस्ट्री वी कैन डिसाइड द फिफ्टी हर्ट्स ये हमारी फ्रिक्वेंसी वो डायरेक्ट आपका लगा होता है वी कैन चेंज द वी कैन मेजर द फ्रिक्वेंसी तो जो आपको डिस्कस किया है ये वही चीज़ है फिर आते हैं कि अभी ये तो हो गया मेरा लो रेंज फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट अगर हमें ज़्यादा फ्रिकुंसी मेजरमेंट करनी है रेंज बढ़ानी है आ, तो हम उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वी कैन कंसिडर द डिजिटल मल्टीमीटर ओबियसली बात है डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे तो अगर कुछ डीसी से आपको हनी वेगर तक करना अभी मेका हर्ट तक करना है वी कैन यूज़ द डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर अगर अब हम चाहते हैं कि हम अपने फ्रिक्वेंसी मीटर्स को और इंक्रीज करें और हम डिजिटल मल्टी मीटर डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर से ही मेजर करेंगे और हमें अपनी रेंज 100 मेगा से या अप टू 100 मेगा से अब हमें करनी है मेगा हट्स टू आपकी 40 गीगा हट्स मतलब मेगा हट्स वी वॉन्ट टू चेंज द गीगा हट्स तो ये इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं फर्स्ट इज योर प्री स्केलिंग हेट्रोडाइन कन्वर्टर और ऑटोमेटिक डिवाइडर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये ये उस समय यूज़ करते हैं जब हमें अपनी फ्रिक्वेंसी की रेंज बढ़ानी होती है अदरवाइज़ ये हम नहीं वो हमारा जो सिंपल था आपको हमने पहले ब्लॉक डायग्राम दिखाया था वही यूज़ करते हैं अब आप प्री स्केलिंग में क्या होता है कि हम पहले से कोई चीज़ प्री स्केल कर देते हैं जो हमारे अगर हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो हमने स्केलिंग कर दी टू फोर सिक्स एट तो उसके हिसाब से हम अपना जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम देखते हैं कि हम पहले से ही अगर हमें अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज को इंक्रीज करना है समय की बात है अगर हमें नॉर्मल करना है तो हमारा जो पल्स है वो काउंट के फॉर्म में आपको मिला डायरेक्ट यू कैन मेजर द डायरेक्ट डालो सेकेंड मैथड हमारा है दैट इज दिट्रोडाइन कन्वर्टर यहाँ पे आप मल्टीपल फ्रिक्वेंसी लेंगे रीडिंग आपकी एक ही है वी कैन यूज द हिट्रोडाइन एट द टाइम वैन वी एक्सटेंड द रेंज ऑफ द डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर जो हमारा डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर है उसको हम रेंज करेंगे उसके एक्शन करेंगे उस समय हमारा क्या होता है वी आर यूजिंग द हिट्रोडाइन कन्वर्टर्स एंड जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है और सिंपल मेथड भी है वो है हमारा ऑटोमेटिक डिवाइडर तो हमने उस तो रेंज को जब करते तो हमने कर मैंने लिया हंड्रेड एस टू वन वन थाउजेंड एस टू वन इस तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं जब फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं तो ये वन बाई हंड्रेड और वन बाई थाउजेंड तो वी हैव ऑप्शंस दिस इज आल्सो द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मेजरिंग सिस्टम या डिजिटल मेजरमेंट सिस्टम जो भी हम यूज़ करते हैं कि वी कैन एक्सटेंड द रेंज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट मैथड से अपने इस uh, मेजरमेंट को या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये तो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो तो यहाँ पे हमारे जो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं डिजिटल डिस्ट्र, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड मीटर हो डिजिटल मल्टीमीटर हो, हो या डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर हो वहाँ पे दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज और जो उसकी एडवांटेज थी कि ये साइज़ में कॉम्पैक्ट होता है एक्यूरेसी बेटर होती है वो यहाँ पे भी हमारी है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की क्योंकि डिजिटल हमारा जो आउटपुट uh, है वो uh, आपका डिस्क्रिट के फॉर्म में आता है तो द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज़ वेरी फास्ट अगर आप कहीं भी देखेंगे तो जनरली क्या होता है अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में अगर हमारा 50 हर्ड्स है तो दिस इज सम्स फोटी नाइन टू फिफ्टी दिस इज द रेंज तो ये इसी के बीच में फ्लक्चुएट करेगा जो भी इसको मिलती है देन विल बी स्टेबल इन द 50 हर्ड्स दिस इज़ द इंडियन फ्रिक्वेंसी हमारे यहाँ पे जब हम जो जब भी जनरेट करते हैं पाव के को या कोई चीज करते हैं कोई भी इंस्ट्रोमेंट करते हैं हम जनरल उसमें फ्रिक्वेंसी को कितना रखते हैं फिफ्टी हंड रखते हैं तो दिस इज़ द गुड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो डिजिटल वोल्ट मीटर में और डिजिटल मल्टी की है कि दिस इज द हाई सेंसिटिविटी और जब क्योंकि हम सर्किट हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जो लेकिन द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लो प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लो

तो इट इट मे बी फ्लक्चुएटेड इन टू फोर्टी नाइन पॉइंट समथिंग फोर्टी नाइन हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स तो इट वेट भी फ्लक्चुएट इन बिटवीन फिफ्टी हर्ट्स एंड तो ये हमारा दृष्टिता इट डज़ नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू मेजर सम लैक थोड़ा सा टाइम डिले भी होता है इस वजह से ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं करती है तो दीज आर दिसएडवाटेज ऑफ द डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर नो गोस टू द अब एप्लीकेशन्स क्या है कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं एक तो आपको हमने बताया जहाँ पर हमारा पावर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर तो वो होना ही होना है क्योंकि वी कैन कंट्रोल एंड मेज़र बोथ पावर प्लांट पर हम कंट्रोल भी करते हैं फ्रिक्वेंसी को और मेज़र भी करते हैं और जनरली क्या वी कैन यूजिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ रेडियो इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा यूज़ होता है सभी फील्ड में यूज़ हो रहा है मेजिंग ऑफ रेडियो इक्विपमेंट्स मेजिंग द टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर फिजिकल वैल्यूज जितनी भी अदर फिजिकल वैल्यूज हैं उसमें भी हम फ्रिक्वेंसी मीटर को यूज़ करते हैं इन द इंडस्ट्री इन द वी कैन यूज द फॉर टेम्परेचर प्रेशर फिजिकल वैल्यूज अदर वी कैन मेजर द लेवल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एंड आई कैन गिव एन एग्जाम्पल हम कैसे फ्रिक्वेंसी को चेंज करके लेवल मेजरमेंट करते हैं लेवल मेजरमेंट के समय वी हैव अ वी हैव अ बिन ये हमारे पास एक बिन है दिस इज द लेवल वी कैन सेट द हाई लेवल एंड वी कैन सेट द लो लेवल जो भी हम प्रोप डालते हैं जो भी हमारा इसके अंदर सेंसर हम लगाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है वेयर एट द टाइम ऑफ द जब लेवल हमारा चेंज होता है मटेरियल आ रहा है आपके उस पर तो जो हमारा लेवल चेंज होता है उस 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 हिसाब हिसाब से से जो चेंज होता है हम उस फे, उस को हम को कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज पे तो यू कैन मेजर एट द सेम यू कैन मेजर द फ्रिक्वेंसी एट दैट टाइम यू कैन मेजर द लेवल ऑल्सो क्योंकि हमने उस फ्रिक्वेंसी स्केल को कैलिब्रेट कर दिया हमने लेवल के फॉर्म पर तो दिस इज द मेजिंग द टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर फिजिकल वैल्यूज वाइब्रेशन सेम एज अ शन एंड स्टेट दैट टाइम इफ यूर यू आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट देर इज अ वाइब्रेटेड तो सभी के सपोज दिस इज वन एफ वन दिस इज एफ टू दिस इज एफ थ्री दिस इज एफ फोर तो जो डिफ्रेंस आता है उससे हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं उस डिफ्रेंस को और उसको कैलकुलेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द योर फ्रिक्वेंसी तो ये हमारा मेजिंग वाइब्रेशन vibration इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेन प्रेशर लेवल तो ये मेजिंग ट्रांसफर तो हम डायरेक्ट उसको एक ऐसा ट्रांसफर ही बना देते हैं जो कि हमारा डायरेक्ट मेजर करता है ट्रांसफर इज अ कन्वर्ट फ्रॉफ वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी तो वहाँ पे भी हमारा अब कैसे करते हैं वो ये है कि वी कैन चें कलेक्ट द डेटा ऑफ द जो आ रहे हैं उसके चाहे वो लेवल हो चाहे वो हो वो प्रेशर उस लेवल उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करते हैं उस कैलिब्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट फ्रिक्वेंसी तो ये हमारा डायरेक्ट मेजर फॉर्म हो जाता है फ्रीवेंसी के फॉर्म में कि हम इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं तो दीज आर और भी बहुत सी जगह इसका एप्लीकेशंस है कि हम कैसे यूज़ करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं तो एक हम ओरव्यू देख लेते हैं टुडे वी हैव डिसकस द द बेसिक ऑफ द डिजिटल वो मीटर दैन डिजिटल मल्टीमीटर कैसे काम करता है उसका कंस्ट्रक्शन देखा है फिर हम डिस्कस करते हैं डिस्टर्ब फ्रिक्वेंसी मीटर एप्लीकेशन ये इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है सेंसिटिविटी अच्छी है आपकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है जो ड्रॉबैक उसमें होता है कि दे आर यूजिंग द एक्सटर्नल बैटरी तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो जब बैटरी अगर आप कंटिन्यूस काम करते हैं तो दे इज द लॉस ऑफ द पावर तो उसकी वजह से हमारी तो वो हमें अगर उस पर हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो दैट इज़ वर्क ऑन द प्रॉपर वे तो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर आई विल वेट द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू